एवरीवन, कैसे सब? आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आ गई हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ में, और आज मैं जो वीडियो दिखाने वाली हूँ वो तिरुपति बालाजी के रिलेटिव होगा, जिसमें आपने काफी सारी कमेंट्स की हैं कि हमें पूरी तरह से बताइए कि मुंडन कैसे करवाया जाता, कितना टाइम लगता है, कितने लेडीज का अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, कैसा। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ और किस तरह आप करवा सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट्स और शेयर और लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आप वीडियो देखोगे उसमें आपको पूरी तरह से दिखाया जाएगा कि आप कहाँ से ट्रेन ले सकते हो और कहाँ से आप बस से जा सकते हो। मैं हैदराबाद से गई थी, तब मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी थी। आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया था, और आशा करती हूँ इस वीडियो में भी आप उतना ही प्यार दोगे जिसे पहले वाले वीडियो में दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे बाल बड़े हो चुके हैं और लगभग मुझे 6 मंथ हो गए हैं हेयर तिरुपति को देखें। तो जो आप वीडियो देखोगे आपको पूरी तरह से आप लोगों को मालूम हो जाएगा किस तरह से दिया जाता है और कहाँ कहाँ दिया जाता है। तो ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगी, वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगी। आप पहले ये पूरा वीडियो देखना, उसके बाद में ही आपको मालूम हो जाएगा कि बाल कैसे और कैसे नहीं देते हैं। तो ठीक है, आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद में मैं आपको फिर से बताऊंगी, तो ये वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ देख सकते हो बाल कितने बड़े हैं और ये तिरुपति बालाजी के पहुँच गए। तो हेयर इतना लेंथ है, यहाँ देख सकते हो बहुत सारा लेंथ है, और अब इस हेयर को देंगे तिरुपति बालाजी के। तो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको जो आपके हेयर हैं उनको वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग वेट नहीं करेंगे तो यहाँ से जो हेयर मुंडन करते हैं वो लोग दो पार्टीशन ले लेंगे, और आपके हेयर को दोनों पार्टीशन में करके उसमें रबर्स लगा देंगे दोनों साइड में से, ताकि हेयर बिखरे नहीं वहाँ पे। जो बच्चों के हेयर हैं वो छोटे होते हैं तो वो किधर भी गिर जाते हैं, लेकिन जो लेडीज़ के बड़े हेयर होते हैं ना उनको दो पार्टीशन में डिवाइड करके रबड़ लगा देते हैं, क्योंकि वो ऐसे के ऐसे हेयर किसी को भी काम में आ सके, इसीलिए इसका दो पार्टीशन बनाते हैं। किसी जैसे कि किसी को कैंसर हो जाता है, उन लेडीजों को भी दान कर देते हैं ना यहाँ से बाल, तो इनको दो पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, ईजीली बिखरेगा नहीं और ऐसे कैसे हाथ में आ जाएगा, इसलिए दो पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद में वो लोग बोतल से पानी डालते हैं, ताकि वो हेयर पूरा वेट होने के बाद में ईजीली निकल जाता है ना, इसलिए पानी। या तो आप लोग जाते हो तो आप लोग भी वेट कर सकते हो, वहाँ पे रहते हैं वेट करने का। अगर आप लोग वेट नहीं करते हो तो वो लोग भी वहाँ बोतल रहता है तो वो लोग भी वेट कर देते हैं। उसके बाद में जो ये ब्लड लिया है ये उस तरह है, ये पत्ती वहाँ पर जो मन ली जाती है वहाँ पर पर्ची कटाई जाती है, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाया था पहले वाले में। तो वहाँ से आप लोग पत्ती लोगे तो वहाँ पे नंबर रहते हैं, आपको जो टोकन देते हैं उसमें नंबर आएगा, वो नंबर से आप जिस भी रूम का नंबर होगा वहाँ पे जा सकते हो, और फिर जो टोकन पत्ती लेके जो लेके आते हैं वह लोग उनको रूम के नंबर देते हैं। तो वहाँ से जैसे रूम के नंबर देंगे तो हम वहाँ रूम में जाके ये देंगे जो पत्ती है, और फिर ये अपना मुंडन कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हो पूरे बाल मुंडन हो रहे हैं, और कितने लॉन्ग हेयर था यहाँ देख लीजिए आप, और बहुत प्यार से करते हैं, ऐसा कोई किचकिच नहीं है, गुस्सा नहीं करते, बहुत इजीली और बहुत स्लो से करते हैं मुंडन। ऐसा नहीं कि बेचारे पूरे दिन से कट करते रहते हेयर, लेकिन फिर भी इतना प्यार से प्रेम से मुंडन करते, कोई भी गुस्सा नहीं करते, यहाँ देख लीजिए। तो ये जो हेयर है, जो मन्नत होती है किसी भी चीज़ की, जो मन्नत पूरी होने के बाद में हेयर दान किया जाता है। तो यहाँ फ्रंट पूरा हो चुका है देख लीजिए, बैक बाकी है, तो घूमने के लिए बोले हैं तो बैक से भी सेम, जैसे फ्रंट से किया वो बैक से भी सेम ऐसा हो जाएगा। तो आप लोगों की जो मन्नत होती है, हम जो भगवान से मन्नत मांगते हैं कि जो ये मेरी मन्नत है वो पूरी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को मेरा पूरा हेयर दान करूँगी, मुंडन करके आऊँगी। तो जैसे ही अपनी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद बालाजी के वहाँ जाते हैं और बाल दान देके आ जाते हैं।
ऐसे अगर आप लोगों को देना है, कुछ मन्नत है आपकी, तो आप मांग सकते हो। ज़रूरी नहीं है पूरा मुंडन ही करवाओ, आप सीजर्स के हिसाब से भी लेते, जैसे 3 सीजर 2 सीजर ऐसे 5 सीजर्स ऐसा लेते हैं। 3 सीजर से स्टार्टिंग रहता है, तो आपको एक ही जगह से नहीं, आप बोलेंगे ना वैसे वैसे वो 3 सीजर्स भी लेते हैं, मुंडन का कोई वो नहीं। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, पूरा मुंडन हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति होती है। और जो भी दुविधाएँ, जो टेंशन्स होती है माथे में, और जो भी कुछ आपको ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत सारी टेंशन्स हो रही है, उसके अकॉर्डिंग तिरुपति बालाजी को बाल देने के बाद में हमारा बहुत अच्छा फील होता है, एक बोझ जैसा उतरता है। तो अब बच्चे का भी मुंडन हो गया है और मेरा भी मुंडन हो चुका है, देख सकते हो कितना सॉफ्ट लग रहा है टच करने से, और पूरा मतलब एक अलग ही फीलिंग्स आती है बाल देने के बाद में। तो यहाँ देख सकते हो इसीलिए, और बच्चों का भी छोटे का भी दे दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है बाल देने से। और मतलब आप कभी जाओ तो आप ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, और बस से भी जा सकते हो, लेकिन ये देखना होगा कि आप कितने दूर रहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। मेरे बाल ये देखो पूरा दे दिया है, और टेंशन्स डिप्रेशन्स कुछ भी नहीं, अच्छा लगता है वहाँ बाल देने से, फ्री से माइंड रहता है। अब न्यू ग्रोथ होगा तो और भी अच्छा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई रुक के बाल बहुत दिनों में बाल आएंगे, ऐसा नहीं है, अच्छे से बाल आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है बाल दे के। आप लोगों को भी अगर जाना हो तिरुपति बालाजी तो एक बार ज़रूर जाइएगा और वहाँ अपने बाल दान दीजिएगा, लेकिन अगर आप लोगों की मन्नत हो तो ही दीजिएगा, नहीं तो वैसे आप दर्शन करने जाते हो तो 3 सीजर्स ऐसा दे सकते हैं। मुंडन का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुंडन ही करके आओ, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बाल दान देते हो, पूरे देते हो, हाफ देते हो, नहीं तो सीजर से कट करते हो, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आपको भाई लो आपको तो पूरा ही बाल देना, ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। और कभी जाना चाहें तो आप जा सकते हो। मैं यहाँ हैदराबाद से गई थी, ट्रेन पकड़ के गई थी, जो मेरी नाइट की ट्रेन थी, और सुबह मॉर्निंग में मैं पहुँच गई थी, रात को 9 o'clock की मेरी ट्रेन थी, और सुबह मैं 7 o'clock वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद में हम वहाँ जाने के बाद में स्टार्टिंग में बाल दान करने होते हैं, पहले टोकन वगैरह लेना होता है वहाँ से, टोकन लेने के बाद में आपको हेयर दान करने होते हैं, हेयर दान करने के बाद में आप लोगों को वहाँ पे नहाने का रहता है, अच्छे से नहाना है, और फिर वराह भगवान के फर्स्ट दर्शन आपके वराह भगवान के हो जाएंगे, क्योंकि पहले वराह भगवान का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वराह भगवान के दर्शन करने के बाद में खाने का कुछ रहता है, अगर आप लोगों को खाना है तो आप वहाँ खा सकते हो, आपकी इच्छा है। ये देखो इसका भी मैंने हेयर कटिंग कर दिया है, छोटे का भी। तो अगर आप लोग वहाँ खाने का रहता है, खाना खाने के बाद में आप भगवान के वहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, यहाँ देख लीजिए सब लोग, हमारे तीनों ने बाल दिए हैं और अभी हम घर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप कभी भी जाते हो तो एक बार ज़रूर जाइएगा तिरुपति बालाजी के यहाँ और दर्शन करके आइएगा, और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, आपको कैसा लगा वहाँ जाके और कैसा नहीं लगा। बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है, वहाँ का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, क्लाइमेट पूरा अच्छा रहता है, पूरा ठंडा रहता है, कूल वेदर रहता है, इसीलिए यहाँ मार्केट भी लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर जाइए, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी और नए नए वीडियो अपलोड करूँगी तिरुपति बालाजी के रिलेटिव। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मंदिर में हम आ चुके हैं, तो यहाँ से अब हम जाएंगे अपने घर को और मिलते हैं फिर से नई नई वीडियो में। तब तक के लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर वीडियो। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स कर दीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, कैसे भी मैं आपको फिर से एक और वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे और मैं ऐसे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी। और आपने जो तिरुपति बालाजी का जो वीडियो अभी देखा है उसमें आप लोगों को पूरी डिटेल मिल गई होगी, तो अगर फिर भी कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आया हो
तो कमेंट कीजिए। मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ देख सकते हो मेरे बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, 6 मंथ हो गए हैं मेरे बाल देने के, देखे तो यहाँ देख सकते हो मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। और अगर आप लोगों को मेरा हेयर कटिंग देखना है मेरे बालों का, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपने हेयर कटिंग का भी वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गोविंदा गोविंदा।